seen that shit. हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे आइसोक्वेंट क्या होता है, आइसोकॉस्ट क्या होता है और इसकी मदद से हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कैसे तैयार कर सकते हैं। आइसोक्वेंट्स आर सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व्स ऑफ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अगर आपने इंडिफरेंस कर्व्स पढ़ रखा है पहले तो आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा। सो आइसोक्वेंट क्या होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं सारे उन कॉम्बिनेशंस को इनपुट्स के जो कैपेबल होते हैं प्रोड्यूसिंग सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस जो प्रोड्यूस कर सकें सेम लेवल ऑफ आउटपुट, उन सबको हम कहेंगे आइसोक्वेंट। सो आइसोक्वेंट को और भी नाम से बुलाया जाता है, इक्वल प्रोडक्ट एंड आइसो प्रोडक्ट कर्व्स। आइसोक्वेंट आपको इस शेड्यूल से इजीली समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे फैक्टर कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब सेम लेवल ऑफ आउटपुट्स हैं, ए बी सी डी, ये सब आउटपुट्स सेम हैं लेकिन ये अलग अलग फैक्टर्स से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए जो है उसमें फैक्टर एक्स 1 रिक्वायर्ड है और फैक्टर वाई 12 रिक्वायर्ड है, लेकिन जैसे ही बी में क्या हो रहा है, बी में फैक्टर एक्स बड़ा और फैक्टर वाई कम हो गया, पर हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो सेम रहेगा। फैक्टर्स भले चेंज हो रहे हैं लेकिन हमारा लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो सेम रहना चाहिए। सो ये सब हमारे आइसोक्वेंट्स के कॉम्बिनेशंस हैं। सो हम देख सकते हैं कि जैसे ही फैक्टर बढ़ रहे हैं, एक्स के फैक्टर्स बढ़ रहे हैं और वाई के फैक्टर्स कम हो रहे हैं, क्योंकि हमारा लेवल ऑफ आउटपुट जो है हमें सेम रखना है। सो ये सारे कॉम्बिनेशन से हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा। सो यही सब हमारे आइसोक्वेंट्स है। इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमारा आइसोक्वेंट कर्व आ जाएगा। जैसे ही इनको हमने ग्राफ में प्लॉट किया, सो हमारा ये इंडिफरेंस कर्व की तरह ही एक कर्व बन गया और इसी को हम कहेंगे आइसोक्वेंट कर्व या फिर इक्वल प्रोडक्ट कर्व, दोनों में से कोई भी नाम से हम बुला सकते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट है फैक्टर वाई और वाई एक्सिस पे प्लॉट है फैक्टर वाई एंड एक्स एक्सिस पे प्लॉट है फैक्टर एक्स। इनको प्लॉट करते ही हमारा आइसोक्वेंट कर्व बन चुका है। अब हम सीखते हैं आइसोकॉस्ट कर्व्स क्या होता है। आइसोकॉस्ट को हम इक्वल कॉस्ट लाइंस भी कहते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा आइसोक्वेंट में कि हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट को मेंटेन रखना है उन सारे कॉम्बिनेशन से, जो भी फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई थे, हमें कितना फैक्टर एक्स लेना है, कितना फैक्टर वाई लेना है और ये भी कॉम्बिनेशन हमने रेडी किए थे। सो इसी में ये जो आइसोकॉस्ट लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट करेगी प्राइस ऑफ फैक्टर्स। हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि कितना कौन सा फैक्टर कितना लेना है, एक्स फैक्टर 1 लेना है, वाई फैक्टर 20 लेना है, ये तो डिसाइड हो गया, लेकिन उसकी प्राइस भी तो पे करनी पड़ेगी। सो ये आइसोकॉस्ट लाइंस यही रिप्रेजेंट करती है प्राइस ऑफ द फैक्टर्स को। सो सपोज़ कीजिए एक फर्म है, उसके पास 1000 रुपीज़ है और उस 1000 रुपीज़ को उसको स्पेंड करना है फैक्टर एक्स या फैक्टर वाई लेने के लिए, दोनों में से किसी को कितना क्या लेना है ये हमें डिसाइड करना है। सो फैक्टर एक्स की प्राइस है 10 एंड वाई की 20, तो फर्म की चॉइस है वो कितना किस पे स्पेंड करना चाहती है, चाहे तो वो एक्स पे ही पूरा का पूरा स्पेंड कर देगी, 100 यूनिट्स ऑफ एक्स ले लेगी और 0 यूनिट्स ऑफ वाई, या फिर वो ऐसे भी कर सकती है कि पूरा का पूरा स्पेंड कर दे वाई पे और एक्स ले ही नहीं। सो इन्हीं कॉम्बिनेशन से हमें ये आइसोकॉस्ट लाइंस रेडी करनी है। सो जैसे ही इन पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमारी कुछ ऐसी तरह की लाइंस बनेगी, एक साइड है फैक्टर वाई, एक साइड है फैक्टर एक्स। सो हमारी ये लाइंस बन गई, इसे कहेंगे हम आइसोकॉस्ट लाइंस। आइसोकॉस्ट लाइंस रिप्रेजेंट करती है प्राइस ऑफ द फैक्टर्स। जैसे कि लाइन ए बी है, इसमें हमें साफ दिख रहा है कि लाइन छोटी है, मतलब बजट हमारा कम है, हमारे पास पैसे कम है, और लाइन जो ई एफ है इसमें हमें ज़्यादा पैसे हैं तो हम ज़्यादा फैक्टर्स खरीद सकते हैं, फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई दोनों में से हम ज़्यादा खरीद सकते हैं, अपनी मनी जो है हमारे पास वो ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं हम, और ए बी में कम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन से हमें मतलब हमारी जो पास जो मनी है वो कॉन्स्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी।
फैक्टर्स बड़े चेंज हो जाए कि हमें कौन से फैक्टर कितना लेना है, जैसे ही फैक्टर एक्स बढ़ाएंगे फैक्टर वाई कम हो जाएगा। सेम वही कंसेप्ट है हमारा इंडिफरेंस कर्व वाला, अगर वो आपको समझा हुआ है तो आप इजीली ये समझ सकते हैं आइसोकॉस्ट लाइंस को। अब हम सीखते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे प्रोड्यूसर को ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मिल जाता है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कि उसे कितना एक्स फैक्टर लेना है और कितना वाई, और अकॉर्डिंग टू आइसोकॉस्ट लाइंस। सो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए हमें आइसोक्वेंट और आइसोकॉस्ट को के ग्राफ को कंबाइन करना पड़ेगा। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, हमने जैसे आइसोक्वेंट्स को और आइसोकॉस्ट को कंबाइन किया तो हमारा जो ये कर्व जो बेंड हुआ हुआ है पी, वो है आइसोक्वेंट, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई को, कि हमने कितना फैक्टर एक्स लिया है और कितना फैक्टर वाई लिया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर्व पी, जिसे हम आइसोक्वेंट कर्व कहेंगे। और बाकी ये जो लाइंस है L1, M1, N1, Q1, ये सब आइसोकॉस्ट लाइंस है, ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमें कितना स्पेंड करना है उन फैक्टर्स के ऊपर। हमें वो कितना लेना है वो तो डिसाइड हो गया, लेकिन हमें कितना स्पेंड करना है, कितने रुपीज़ स्पेंड करना है उस चीज़ के ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर। सो ये है हमारी आइसोकॉस्ट लाइंस L1, M1, N1, Q1, ये सब लाइंस है हमारी। सो जहाँ पे